हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस मैप मेकिंग की क्लासेस में लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में, जहां पर हम लोगों ने वेस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में डिस्कस किया हुआ था। हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग जरा देखेंगे अगेन इस क्लास में सदर्न इंडिया के ही जितने भी रिवर्स हैं, लेकिन अब देखेंगे हम लोग उन रिवर के बारे में जो ईस्टवर्ड फ्लोइंग है, यानी कि बे ऑफ बंगाल में जाके गिर रही होती हैं। नंबर ऑफ रिवर्स हैं सारे के सारे, एक एक करके डिस्कस करेंगे हम लोग, लेकिन स्टार्ट करने से पहले ये हमारी कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं जिसको आप लोग यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ हमारे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जिनको आप यूट्यूब पे देख सकते हैं और प्रिपरेशन अपनी यूपीएससी के लिए और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। बाकी हमारी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो रखी है और दीज आर द अवेलेबल टेस्ट सीरीज जिसको आप लोग यूज कर सकते हैं अपने बेटर प्रिपरेशन करने के लिए। तो ये हमारी कुछ साउथ इंडिया के रिवर्स हैं, इनमें अगर देखेंगे तो मैक्सिमम रिवर जो है ओरिजिनेट हो रही होती है छोटा नागपुर प्लेटू में और फिर ये बे ऑफ बंगाल में गिर जा रही होती हैं। हालांकि इसमें कई सारी रिवर ऐसी भी हैं जो साउथ इंडिया के ईस्टर्न घाट से या फिर साउथ इंडिया के अलग अलग माउंटेन से निकल रही होती हैं। हम लोग देखेंगे क्या कुछ है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने में आज हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे सुबर्णरेखा के बारे में, ब्रह्मणी के बारे में और महानदी के बारे में देखेंगे कि हमारे पास कहां से निकल रही होती है, कैसे फ्लो कर रही होती है और अल्टीमेटली कहां पर गिर रही होती है। अगर इंपॉर्टेंट कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे उसको भी देखेंगे और साथ में हम लोग लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी को देखेंगे, थोड़ा सा कुछ ट्रिक वगैरह लगा करके उसको याद भी कर लिया जाएगा। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिवर के बारे में, सुबर्णरेखा रिवर के बारे में। सुबर्णरेखा रिवर को देखेंगे अगर तो ये देखिए रांची से निकलती है। अब ये रांची कहां पर है, रांची पड़ता है आपके झारखंड स्टेट में। यहां पर हालांकि बहुत सारी रिवर होती है, जैसे एक यहां पर जो झारखंड में इंपॉर्टेंट रिवर है उसका नाम है नॉर्थ कोयल। नॉर्थ कोयल एक रिवर निकल रही होती है, बट जो सुबर्णरेखा है ये अलग रिवर होती है और ये साउथ साइड से, रांची के भी साउथ साइड से निकल रही होती है और इस तरीके से अल्टीमेटली जा करके बे ऑफ बंगाल में गिर जा रही होती है। बीच में कुछ वाटरफॉल वगैरह भी बना रही होती है जो कि उतना ज्यादा सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने उसको यहां पर इंक्लूड नहीं किया है। आगे ये ईस्टवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि दिस इज मूविंग इन ईस्टवर्ड डायरेक्शन और फिर जमशेदपुर होते हुए आगे जाकर के बे ऑफ बंगाल में ये ड्रेन कर जाती है। अगर स्टेट्स के बारे में बात करें तो देखिए झारखंड के साउथ से निकलती है, फिर वेस्ट बंगाल में पहुंचती है और वेस्ट बंगाल के बाद ये फिर उड़ीसा स्टेट में चली जाती है। तो बेसिकली ये तीन स्टेट से होकर के गुजर रही है, जहां पर देख सकते हैं एक हमारी झारखंड हो गई, दूसरी वेस्ट बंगाल हो गई और तीसरी हो जाती है उड़ीसा। देखिए इंपॉर्टेंट होती है रिवर, कई बार पूछ दिए जाते हैं कि कौन कौन से स्टेट से गुजर रही है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा कौन कौन से स्टेट्स हैं। दूसरी रिवर के बारे में अगर बात करें तो ब्राह्मणी रिवर होती है। ब्राह्मणी रिवर अगेन काफी इंपॉर्टेंट छोटी रिवर है, लेकिन ब्राह्मणी रिवर के बारे में बात करें तो अभी हम लोगों ने देखा था कि झारखंड में एक इंपॉर्टेंट रिवर निकलती है जिसको हम लोग नॉर्थ कोल रिवर भी बोलते हैं। तो एक तरफ से कोल रिवर निकल के आ रही होती है और दूसरे साइड से सांख रिवर निकल के आती है, तो ये बेसिकली हो गई सांख रिवर। और इस तरीके से दोनों रिवर फिर अल्टीमेटली मूव कर रही होती है किसके नाम से, ब्रह्मणी के नाम से। तो ब्रह्मणी के नाम से आगे मूव कर रही होती है, यही ब्रह्मणी आगे जाकर के फिर बे ऑफ बंगाल में इस तरीके से गिर जा रही होती है। तो बस सिंपल सा है, छोटी सी ट्रिब्यूटरी है, छोटा सा इसका काम है। फिर आगे जाकर के ये राउरकेला, मतलब कि यहां पर ये झारखंड से निकली, झारखंड से निकलने के बाद फिर वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से निकलने के बाद फिर जाकर के उड़ीसा में राउरकेला के पास में ये ड्रेन कर रही होती है गर्जत हिल्स में और वहां से फिर अल्टीमेटली गिर जा रही होती है बे ऑफ बंगाल में। तो इस तरीके से अगर आप यहां पर भी स्टेट के बारे में बात करेंगे तो तीन स्टेट्स यहां पर भी गुजर रहे हैं, एक आ जाएगी झारखंड, दूसरी हो जाएगी वेस्ट बंगाल और तीसरी उड़ीसा हो जाएगी। क्लियर हो गया कौन सी है, तो ये पारादीप के ऊपर में जस्ट मूव कर रही होती है, तो इस तरीके से देख सकते हैं। इसके जस्ट ऊपर में, ब्राह्मणी के जस्ट ऊपर में एक और रिवर बह रही होती है जो कि उड़ीसा के पास में आकर के काफी करीब आ जाती है, मिलती नहीं है, करीब आ जाती है और इस रिवर का नाम है बैतरणी रिवर, बैतरणी रिवर। तो दोनों ही इंडिपेंडेंट रिवर हैं, दोनों ही अलग अलग मूव कर रही होती हैं और दोनों ही बे ऑफ बंगाल में गिर रही होती हैं। तो ये थी हमारी ब्रह्मणी रिवर के बारे में। नेक्स्ट रिवर आ जाती है हमारी महानदी रिवर। तो महानदी रिवर के बारे में अगर थोड़ा सा डिटेल में अगर हम लोग चर्चा किया जाए तो बेसिकली जब आप देखेंगे तो सबसे पहले आपकी ऊपर में सुबर्णरेखा रिवर निकल करके आती है, सुबर्णरेखा। सुबर्णरेखा के जस्ट नीचे आपको बैतरणी रिवर देखने को मिलेगी, बैतरणी, और बैतरणी के जस्ट नीचे इसी में ही यहीं पर आपको ब्राह्मणी रिवर दिखेगी और ब्राह्मणी के नीचे फिर आपको यहां पर महानदी रिवर दिख रही होती है। तो ये बेसिकली है पूरा सीक्वेंस जो आप लोग ध्यान रख सकते हैं। महानदी रिवर के बारे में बात करें
तो ये निकल रही होती है उड़ी छत्तीसगढ़ के पास से, और छत्तीसगढ़ के पास में यहीं पर आता है दंडकारण्य। तो दंडकारण्य या फिर बात कर लेते हैं अमरकंटक प्लेटू, तो अमरकंटक प्लेटू से ये निकल रही होती है और फिर मूव कर रही होती है आगे की ओर में। तो एक छत्तीसगढ़ स्टेट और दूसरा उड़ीसा स्टेट, ये दो स्टेट हैं जहां से होकर ये गुजरती है और अल्टीमेटली बे ऑफ बंगाल में गिर जा रही होती है। यहां पर आप ये भी देख सकते हैं कि कौन सी मतलब किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो आप बता सकते हैं कि ये ईस्टवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही होती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का एरिया, उड़ीसा का एरिया, ये दो एरियाज ड्रेन कर रही होती है। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स भी हैं जो इसको मिल रही होती है, जैसे एक रिवर होती है जो सेवनाथ रिवर है, सेवनाथ रिवर, और दूसरी रिवर है जो संदूर रिवर है। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाएगी और ये वाली राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। अभी हम लोग देख भी रहे हैं कौन कौन सी रिवर है। ये दोनों मिलती हैं, मिलने के बाद फिर अल्टीमेटली ईस्टवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हुए गॉर्ज बनाते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट डैम भी है जिसका नाम है हीराकुंड डैम। बाकी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मूवमेंट हो रही है। अगर हम लोग इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी के बारे में बात करें, तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी सेवनाथ, हसदो, मांद और इब है। राइट बैंक के बारे में बात करें तो ओंग, तेल और जोंग है। इनके बारे में अगर थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से याद कर ले, तो देखिए ट्रिक अगेन केवल याद करने के लिए, कोई यहां पर कोई सीन नहीं है। चलिए खैर, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी के लिए आप याद कर सकते हैं आई एम योर हसदो, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। हसदो रिवर हो गया, ये हो गई हसदो, एम का मतलब हो गया मांद, आई का मतलब हो गया इब, तो आई एम योर हसदो, इस तरीके से आप लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी याद कर सकते हैं। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी के लिए आप याद कर लीजिए कि आप यज्ञ कर रहे हैं, तो यज्ञ करने में मंत्र वगैरह का उच्चारण किया जाता है, मंत्र वगैरह बोला जाता है। तो मंत्र वगैरह में क्या होता है, एक नॉर्मल बच्चे जब छोटे होंगे आप लोग तो भूत भविष्य वाला चीज करते होंगे, तो उसमें क्या होती है ओम जोंग तेल इस तरीके से बोला जाता है। तो बस यही है, दिस इज ओम, ओम की जगह पे ओंग, तेल और जोंग, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहां पर रिवर्स हो जा रही होती है। क्लियर हो गया, ये हमारी लेफ्ट बैंक और राइट बैंक दोनों हम लोगों ने देख लिया, ट्रिक भी देख लिया, याद भी हो गया होगा। तो ये हमारी एटलस आ जा रही होती है, आप लोग भी ओपन कर लीजिए। यहां पर जब आप देखेंगे तो यहां पर आ जाइए अपने सेंट्रल एरिया में, सेंट्रल एरिया में जब आएंगे यहां पर देखिए गर्जत हिल्स दिखेगी, यहीं पर आपको दिखेगा यहां पर दिखेगी आपको ब्रह्मणी रिवर, देखिए ब्रह्मणी के जस्ट नीचे आपको महानदी रिवर दिख जाएगी और ऊपर में आपको सुवर्णरेखा रिवर दिखेगी। देख सकते हैं यहां पर कि छोटा नागपुर प्लेटू झारखंड से निकल रही है और यहां से निकलते हुए अल्टीमेटली बे ऑफ बंगाल में गिर जा रही है। सिमिलरली अगर ब्राह्मणी के बारे में बात करें, ये भी देखिए झारखंड से निकल रही है और इस तरीके से आप में मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट के बाद फिर जाकर के यहां पर गिर जा रही है। यहां पर देखिए ब्राह्मणी रिवर भी है, ब्राह्मणी का मतलब ब्रातरनी रिवर भी है, बस यहाँ पर दिखाया नहीं गया है, छोटा इसलिए नहीं दिखाया गया है, आप अपने सेपरेट मैप में जा करके देख सकते हैं, उड़ीसा के मैप में जा करके देख सकते हैं। महानदी रिवर के बारे में बात करेंगे तो अगेन देखिए यहाँ पर डेल्टा फॉर्मेट कर रही है और डेल्टा फॉर्म करने के बाद फिर ये गिर जा रही होती है। तो ये हो गई हमारी पूरी की पूरी रिवर, देख लीजिए, याद कर लीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट होता है टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, ज्वाइन कर लीजिए, और फिर अगर कोई डाउट होता है तो अपने वहां पर डाउट रेज कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।